कहानी किसी ने कही, बहुतों ने सुनी। क्या आपके पास कोई कहानी है, कहानी जो आपको लगता है कि पूरे मुल्क को सुननी चाहिए? ये कहानी आपको लखपति बना सकती है। ललन टॉप अड्डे पर आइए, मौके पर कहानी लिखिए और लाखों के इनाम जीतिए। ललन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में। 23 साल की एक लड़की एक मर चुके इंसान के नंबर पर रोजाना मैसेज भेजा करती है। वो इंसान जो जन्म के रिश्ते से उसका पिता नहीं था, मगर पिता से रत्ती भर भी कम नहीं था। 4 साल यूं ही चला, फिर एक दिन उस नंबर से एक जवाब आया। ये खबर है अमेरिका के न्यूपोर्ट शहर में रहने वाली चैस्टिटी पैटरसन की, जिनके जीवन में एक पिता थे और एक थे जेंसन, जो पिता जैसे ही थे, उतना ही प्यार देने वाले, उतने ही अजीज। चैस्टिटी के मोबाइल में जेंसन का नंबर डैड नाम से सेव था। करीब 4 साल पहले जेंसन चल बसे। चैस्टिटी को समझ में नहीं आया कि जेंसन के ना रहने के एहसास से कैसे उभरा जाए, तो वो क्या करती कि जेंसन के पुराने फोन नंबर पर आए दिन मैसेज भेज देती कि जीवन में क्या हो रहा है, खुशी गम सब कुछ। मसलन ये कि ग्रेजुएशन पूरा किया, कैंसर हुआ, बच गई। जैसे जेंसन के जिंदा होते उनसे बात करती, ठीक वैसे ही दुनिया छोड़ चुके जेंसन से संवाद का यही तरीका समझ आया होगा चैस्टिटी को। ऐसे ही फिर एक दिन जेंसन की 4वीं बरसी आई। गमजदा चैस्टिटी ने जेंसन के उसी पुराने फोन नंबर पर एक लंबा सा मैसेज भेजा। ऐसा संदेश भावुक ही होता है। चैस्टिटी ने लिखा था कि पापा, मैं आपकी बेटी, कल का दिन फिर से बड़ा मुश्किल होने वाला है। 4 बरस हुए हैं आपको गए हुए, एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब मैंने आपकी कमी महसूस ना की हो। इतने वक्त में बहुत कुछ हो गया। मुझे पता है कि आपको सबके बारे में मालूम होगा, क्योंकि मैं हमेशा चीज़ों के बारे में आपको बताती रहती हूँ। मैंने कैंसर को हरा दिया है। आपके जाने के बाद से मैं बीमार भी नहीं पड़ी हूँ। मैंने आपको वादा जो किया था कि मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। इस मैसेज को भेजने के बाद चैस्टिटी के पास एक जवाबी मैसेज आया जेंसन के पुराने नंबर से। हुआ ये था कि जेंसन की मौत के बाद उनका फ़ोन नंबर ब्रैड नाम के एक शख्स को ट्रांसफ़र हो गया होगा। इस तरह चैस्टिटी के भेजे मैसेजेस ब्रैड को पहुंचते रहे थे। 4 सालों में पहली बार ब्रैड ने चैस्टिटी को जो मैसेज भेजा वो ये था, प्यारी लड़की, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मगर पिछले 4 सालों से मुझे तुम्हारे भेजे हुए संदेश मिलते आए हैं। मैं हर सुबह तुम्हारे भेजे मैसेज का इंतज़ार करता हूँ, हर रात तुम्हारे भेजे दिन भर के हालचाल वाले मैसेज की बाट जोहता हूँ। चैस्टिटी ने अपने मैसेज और जवाब में आए हुए ब्रैड के मैसेज का स्क्रीनशॉट फेसबुक पर शेयर किया और इस तरह बाकी दुनिया को ये कहानी मालूम चली। चैस्टिटी ने अपनी पहली पोस्ट, जो कि बेहद वायरल हुई थी, में ये साफ नहीं किया थी कि कहानी उनके बायोलॉजिकल पिता की नहीं है। बाद में जब ये बात सामने आई कि जेंसन उनके असगे पिता नहीं थे, तो चैस्टिटी की मंशा पर सवाल उठने लगे कि क्या उन्होंने ये सब सहानुभूति बटोरने के लिए किया, कुछ हासिल करने के लिए किया? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए चैस्टिटी ने एक और पोस्ट लिखी। इसमें उन्होंने साफ किया कि वो अपने बायोलॉजिकल पिता की बात नहीं कर रही थी, वो जेंसन की बात कर रही थी, जो कि सगे पिता की तरह उनके जीवन में उनके लिए अजीज थे। चैस्टिटी ने अपनी इस पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने कुछ भी हासिल करने के लिए ये पोस्ट नहीं लिखी थी। फिलहाल ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और लोग काफ़ी भावुक भी हो रहे हैं इसे पढ़कर। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो और वीडियोज़ के लिए हमें वहाँ ज़रूर फॉलो करिए। एक बात और, आप देख सकते हैं दी ललन टॉप क्विज सौरभ द्विवेदी के साथ शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 11 बजे और फिर रात में 8 बजे तेज चैनल पर। थैंक यू। तुम मुझे टैलेंट दो, मैं तुम्हें मंच दूंगा। ललन टॉप अड्डे का मंच, मंच जिस पर खड़े होकर तुम गाना गा सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, कोई मजेदार किस्सा सुना सकते हो, कविता सुना सकते हो। ललन टॉप अड्डा, जहां तुम पेंटिंग कर सकते हो, स्केच बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारी कलाकारी को आसमान पर पहुंचा दे। साथ में जीत सकते हो मौके पर लाखों के इनाम। तो फिर आइए ललन टॉप अड्डे पर, दिखाइए
अपने हुनर का कमाल। ललन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में।